आतंकी मोहम्मद आमिर उर्फ अबू हमास ने यह बताया है कि उसका सपना एक्टर बनने का था और वो गाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसके सपनों को पंख लगे इससे पहले ही आतंकी आकाओं की निगाह उस पर पड़ गई। तो जो पहली ट्रेनिंग करके तुम घर वापस आए, फिर उसके बाद क्या क्या किया? उसके बाद मैं कबाड़ की दुकान दोबारा मैंने चालू की, फिर वही जो दुकान चला रहा था जिससे मुझे लॉस हुआ बहुत, तो वो दुकान मेरी बंद हो गई। तो उसके बाद जो है कारी अमीन फिर एक दफ़ा चंदा लेने आया, मुझसे मिला तो उसने कहा कि आप दोरा आमा करने के लिए जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं पहले से बहुत नुकसान में हूँ, मेरे वहाँ पैसे वगैरह नहीं। उसने कहा मैं आपको पैसे दूंगा आने जाने का किराया और वहाँ का ख़र्चा। तो उसने मुझे 4000 रुपये दिए और मुझे वहाँ से एक बस में बिठाया जो 24 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं मानसेरा पहुँचा। और उसने मुझे एक लेटर दिया था कि ये वहाँ पर एक आपको हमाद नाम का आदमी मिलेगा जो मानसेरा अड्डे के ऊपर ही FIF के एक फाउंडेशन के एक दुकान दफ्तर जैसा होगा, आप उसमें चले जाना। तो मैं वो पर्चा लेकर जब मानसेरा पहुंचा तो मैं अड्डे के ऊपर उतरने के बाद मैं गया FIF का, देखा ढूंढी मुझे ढूंढने से वो मिल गई जगह। तो मैं उस दफ्तर में गया तो मैंने उन्हें वो लेटर दिया तो सामने एक मौलवी टाइप आदमी बैठा था जिसने वो पर्चा लिया और उसका नाम था हमाद। तो उसने मैं वहाँ पर कुछ देर रुका तो हमाद वो पर्चे में लिखा क्या था? पर्चे में लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, ये आमिर भाई जो कराची से आए दोरामा करने के लिए, आप इनको कबूल करें इस तरफ में कारी अमीन, ये बात लिखी थी उसमें। तो उसके बाद जो है ना उसने एक गाड़ी आई, फ़ोन किया उसने, गाड़ी आई जो गाड़ी हमें लेकर मानसेरा से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था घड़ी हबीबुल्ला, हमें वहाँ ले जाया गया। तो हम रोड पर हमें उतारा गया तो वहाँ पर एक अबू साद नाम का एक आदमी मौजूद था जो हमें लेकर जंगल की तरफ ऊपर टाप के ऊपर चलने लग गया। हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि एक जगह पर किचन बना हुआ था, एक जगह में थोड़ी सी ग्राउंड उन्होंने जगह सीधी की थी, वो ये दोरा आमे का कैंप था लश्कर का। तो वहाँ पर जब हम गए तो ये एक जगह में मस्जिद थी जहाँ पर थोड़ा छोटा जैसा ग्राउंड था, एक जगह में दफ्तर था। तो वहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग करने की रूटीन थी वो ये थी कि हमें सुबह नमाज के बाद कुरान मजीद की तबलीग दी जाती जिसमें हमें जो पोजीशनें सिखाई गई कि जो है कैसे पोजीशन बनानी है क्लाशन की, और हमें AK-47 की खोल जोड़, ये चीज़ें हमें सिखाई गई। और वहाँ का जो मेन ट्रेनर था जो हमें ट्रेन करता था उसका नाम था अबू साद। और हम मैं जब 21 दिन की ट्रेनिंग पूरी हुई तो मैं 15 दिन तक वहाँ पर मजीद रहा, मैं वहाँ पर खिदमत करता रहा। क्या खिदमत करते थे? मतलब खिदमत में ये करता कि वहाँ पर खाना वगैरह बना देना और खाना वगैरह लगा देना, ये खिदमत करता था। और कितने लड़के तुम्हारे साथ? और मेरे साथ 18 लड़के और थे मेरे समेत। उनके नाम हम उनके नाम मुझे नहीं याद सर। तो आतंकी अबू हमास ने बताया है कि कैसे लश्कर के लोग चंदा वसूलते हैं और लोगों के आर्थिक हालात का फायदा उठाकर मदद का भरोसा देते हैं और आतंकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अबू हमास ने बताया है कि लश्कर कैंप में शुरुआती दिनों के बाद मुख्य ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और हाफिज सईद और लखवी जैसे जो आतंकी हैं उनके भाषण भी सुनाए जाते हैं और वहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, पोल पट्टी एक बार फिर से खुल गई है हाफिज सईद की और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब। बिल्कुल सही कहा मेहमान साहब, पाकिस्तान बिल्कुल बेनकाब हो गया और ये जिंदा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरह से वो वहाँ पर आतंकी की ट्रेनिंग देता है और भारत में आतंकी वारदात को घटनाओं को अंजाम देने के लिए भारत में भेजता है। इस साल जो ऑपरेशन चलाया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने 200 आतंकियों को मार गिराया जिसमें काफ़ी सारे संख्या में जो थे जो भारत के अंदर दाखिल हुए थे पाकिस्तान से। और जिस तरह से हाफिज सईद के खिलाफ लगातार भारत सबूत देता रहा है क्योंकि LET सबसे बड़ा फ्रंट है जो कि भारत के अंदर लगातार आतंकियों को भेज रहा है, हालाँकि उसको पाकिस्तान के अंदर नज़रबंद करके रखा गया था लेकिन कुछ दिन पहले ही उसको छोड़ दिया गया है। भारत ने लगातार सबूत दिए हैं उसके खिलाफ लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक और सबूत ये भारत दे रहा है, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, खुद अबू हमास ने बताया है कि किस तरह से वो पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है, किस तरह से JUD जो कि एक तरह से चैरिटेबल फ्रंट है LET का, लश्कर तोयबा का, वो किस तरह से ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो कि आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो सके गरीबी का फ़ायदा उठा करके, फिर LET के जरिए ISI मिल करके उनको ट्रेनिंग देती है और उसके बाद भारत में भेजती है। जी, और इस बात की तस्दीक तो जितेंद्र पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी की, लेकिन पाकिस्तान को तो डिनायल मोड में ही रहना है, वो इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए।